गढ़ा थाना के बाल सागर तालाब के पास घंटों एक युवक का शव पेड़ पर लटका रहा। स्थानीय लोगों ने बार बार पुलिस को सूचना दे रहे थे, पर पुलिस थी कि सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर जब मीडिया ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना दी, तब मौके पर पुलिस आई और जांच शुरू की। मृतक के मोबाइल से हुई शिनाख्त। काफी देर बाद जब मौके पर गढ़ा थाने का स्टाफ पहुंचा और मृतक की तलाशी ली, तो उसके पास एक मोबाइल मिला और जब उससे कॉल किया गया तो पाया कि युवक का नाम मदन महेरा है, जो कि मूलतः मनखेड़ी पिपरिया का रहने वाला था। हालांकि युवक जबलपुर कब और क्यों आया, ये अभी जांच का विषय है। बाल सागर तालाब बन चुका है जंगल। जानकारी के मुताबिक बाल सागर में पहले लोग रहते थे, पर उन्हें नगर निगम ने वहां से विस्थापित कर दिया, जिसके बाद से अब ये इलाका जंगल में तब्दील हो गया है। युवक जो कि पिपरिया का रहने वाला था, वो आखिर कैसे जंगल तक आ गया, ये जांच का विषय है। घंटों बाद भी नहीं पहुंची गढ़ा थाना पुलिस। स्थानीय लोगों ने जैसे ही पेड़ पर लाश लटकी देखी तो तुरंत ही गढ़ा थाना पुलिस को सूचना दी, पर पुलिस मौके पर नहीं आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाल सागर से गढ़ा थाने की दूरी महज 10 मिनट की है। इसके बाद भी घंटों तक गढ़ा थाना पुलिस नहीं आई। सर, एक फांसी लगा के युवक की लाश मिली, क्या है? और सुबह लगभग 12:30-1 बजे की बात है, उसमें थाने में सूचना आई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति धनवंतरी नगर चौराहे के पास में लटका हुआ मिला है। तो इस पर डे अफसरी ड्यूटी में विमलकांत द्विवेदी साहब थे, जो सहायक उप निरीक्षक के पद पर हैं थानागढ़ा में, तो उनको तुरंत यहां से रवाना किया गया। जैसे ही फ़ोन से सूचना मिली, तो हालांकि उस समय वाहन उपलब्ध नहीं था, तो वो पैदल ही यहां से रवाना हो गए थे। इस कारण थोड़ा सा उनको विलम्ब लगा। बाद में पेट्रोलिंग को मैंने तुरंत सूचित करके, जो घटनास्थल से काफ़ी दूर पर थी, तो उसको रवाना किया गया है। तो उस वहां पर जब स्टाफ पहुंच गया तो मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई। इसमें मृत जो पहले जिसे अज्ञात मृतक के रूप में जाना जा रहा था, तो इसके पॉकेट से जो मोबाइल मिला उससे कॉल करने पर एक प्रदीप नाम के व्यक्ति से बात हुई, जो छेड़ी ग्राम छेड़ी थाना भेड़ाघाट का होना पाया गया था। उसने बताया कि मृतक का नाम मदन पिता रूप सिंह, उम्र 32 साल, निवासी मनखेड़ी थाना बेलखेड़ा, इतना हमें ज्ञात हो पाया है। और ये घटना सुसाइडल है कि मर्डर है, इस संबंध में जांच अभी जारी है। अभी तो फिलहाल सुसाइडल ही माना जा रहा है। किस कारण से सुसाइड किया? ये अभी संदेह के घेरे में, अभी इस पर कोई मत नहीं दिया जा सकता। सूचना कितने बजे लगी थी? वो जैसे ही थाने में सूचना आई है तो लगभग तुरंत स्टाफ को भेज दिया गया है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों में कहना है कि 12 बजे से सूचना दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, जहाँ जैसा ही हमें सूचना मिली है तो हमने तुरंत भेजा स्टाफ को। जो भी विलंब लगा होगा, तो यहाँ से क्या है कि जब मर्ग की सूचना मिलती है तो अपन डॉक्यूमेंटेशन भी मतलब दस्तावेज रखते हैं और उसके बाद तुरंत रवाना होते हैं। थाने से धनवंतरी नगर चौराहा तक पहुँचने में जितना समय लगा हो, बस वही विलंब का है और कोई ऐसा नहीं है। ये मानते हैं कि आपके पास गाड़ी ना होने की वजह से? नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि हमारे पास ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम पे हर चीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। ऐसा हरदम नहीं हो जाता, कभी कभार ऐसी परिस्थिति फंसती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस विलंब से पहुंची या पुलिस ने विलंब से कार्रवाई की, तत्काल में कार्रवाई की गई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।